बहराइच में जुम्मे की नमाज को लेकर आज पुलिस अलर्ट पर है। हिंसा वाली जगह सहित पूरे जिले में तमाम संवेदनशील जगहों पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अब तक हिंसा के नामजद 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को बहराइच में मूर्ति विसर्जन के जुलूस निकलने के दौरान दो संप्रदायों में आपस में हिंसा हो गई थी, झड़प हो गई थी, जिसमें एक की मौत भी हो गई थी। तो देख सकते हैं आप, संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान ही बवाल हुआ था और अब आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। बहराइच में एनकाउंटर में घायल दोनों आरोपी ऑपरेशन के बाद खतरे से बाहर है। दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धर दबोचा गया। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले को लेकर अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही हिंसा आगजनी में 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अखिलेश कुमार लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बहराइच से। अखिलेश, अब तक 6 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, लगातार मामले में एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है मामले में और क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, जो बहराइच में हिंसा हुई थी 13 अक्टूबर को, उसके बाद FIR दर्ज हुई थी और जो इस गोलीकांड के आरोपी थे फराज और फिरिंगू और तालिब, इनको भी कल मुठभेड़ हुई थी, जिन घायल हुए थे, इनका इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में जारी है। और भी जो नामजद आरोपी थे 4, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब लगातार कार्रवाइयों में जुटी हुई है, जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तारी उनकी की जा रही है। और अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात है तो घटनाक्रम बेहद ही दर्दनाक हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, छर्रे लगे थे और शव के साथ में बर्बरता की गई थी, तो ये घटना काफी दुखद थी। हम इस वक्त उस गांव में हैं जहां पे लोग घायल हुए थे, जिस गांव के लोग मूर्ति लेके जा रहे थे और घायल हो गए थे इस हिंसा में, तो मैं यहाँ के लोगों का रिएक्शन जानने की कोशिश करूंगा। और अभी जो उसमें नामजद आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो लोगों का क्या कहना है, चूंकि कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। क्या नाम आपका? मनीष वाजपेयी। मनीष जी, अब कार्रवाई होना शुरू हुई है, जो गोलीकांड के आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो लोग इसको किस तरीके से अब देख रहे हैं? सरकार जैसे कर रही है तो सरकार अपने मंशा के हिसाब से काम कर रही है। लोग सरकार से ही न्याय के लिए अपेक्षा कर रहे हैं। सरकार जैसा करेगी अच्छा करेगी। मतलब कार्रवाई चल रही है, लोग गिरफ्तारी हो रही है, गोलीकांड का भी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो लोग कितना संतुष्ट है इस मामले से? ज्यादा से ज्यादा जी संतुष्ट है, और क्या हो सकता है इसके आगे? देखिए, जाहिर सी बात है, जो कार्रवाई हो रही है इसे लोग संतुष्ट है। लोगों का कहना है कि सरकार जो विधिक कार्रवाई होगी, जो न्याय संगत होगी, वही कार्रवाई होगी और वही उससे लोग संतुष्ट भी हैं। आपको बता दें कि 6 लोग इसमें नामजद किए गए थे, जो मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद है और उनके 2 बेटे हैं और भी जो आरोपी हैं, कुल मिला के 6 आरोपी थे, 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस अभी, चूंकि हिंसा 13 को हुई थी, गिरफ्तारी कल हुई है, 17 को हुई है, तो 4 दिन ये लोग थे। अब पुलिस उस जांच में भी जुटी हुई थी कि किन लोगों ने संरक्षण दिया था, बताया ये जा रहा है। ये बड़ी खबर है, मैं बता दूं इस वक्त की, कि जो इन लोगों को छुपाए हुए थे 4 दिन, कहां ये छुपे थे, किनके घर में छुपे थे, पुलिस उनको भी तलाश कर रही है और उसे बताया जा रहा है कि 2 लोगों को और भी गिरफ्तार कर लिया है, जो इनको संरक्षण दिए हुए थे और जिनके घर में ये छुपे हुए थे। कल ये नेपाल भागने के फिराक में थे, वैसे ही पुलिस इनको हिरासत में लिया और पूछताछ की। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी अखिलेश, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे। और इससे पहले कल पुलिस ने बहराइच गोलीकांड के 6 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब को पैर में गोली लगी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरफराज के दाएं और तालिब के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक सरफराज और तालिब ने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों को लगी है। पुलिस ने 3 नामजद सरफराज, मोहम्मद फहीम, अब्दुल हमीद समेत अफजल और मोहम्मद तालिब को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में नेपाल बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले नानपारा कोतवाली इलाके में हांडा बसेहरी नहर के पास हुआ। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालिब को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक
और तमंचा बरामद करने ले गई थी। एसपी वृंदा शुक्ला के मुताबिक आरोपियों ने बंदूक और तमंचा लोडेड रखा था। पुलिस पर उन्होंने फायर कर दिया। पुलिस ने पहले उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, बाद में जवाबी कार्रवाई में सरफराज और तालीम को गोली लगी। कार्रवाई की तो उनके पैर पर गोली मारी गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी जगह पर पहुंचा हूं जहां पर इन्होंने आला कत्ल को छुपाया हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिसकर्मियों और इन आरोपियों के जो पैरों के निशान हैं वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं और ये वो जगह है जहां पर आला कत्ल छुपाए जाने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये किसी जानवर की मांद लगती है, चाहे सियार हो या भेड़िया। यहीं पर बताया जाता है कि जो आरोपी हैं उन्होंने आला कत्ल यानी कि जिस बंदूक से हत्या की थी उसको छुपाया था। यहीं पर जैसे ही उन्होंने बंदूक उठाई तुरंत पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में गोली मारी जो कि उनके पैर पर लगी, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराकर उनका इलाज कराया जा रहा है। ये बाबा बागेश्वर ने बहराइच घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध की सजा ऐसी नहीं हो सकती है कि किसी की जान ले ली जाए। कि कोई भी अपराध उसका दंड मृत्यु नहीं हो सकता, इतना तो निंदनीय कोई अपराध होगा। और इस प्रकार से हत्या करना निश्चित रूप से इस देश में उन लोगों पे लगाम, कोई भी हो, हम किसी के भी हिंसा के पक्षधर नहीं, अहिंसा के पक्षधर, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए भी तो जागना धर्म, तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय कृत्य।